जो कहते हैं अमूमन। लेकिन राजनीति कभी गलत नहीं है। राजनीति इन हाथों को सौंप रहे हैं राजनीति जैसी। तरल पदार्थ की तरह है, जैसे बोतल में पानी रखा हुआ है, गिलास में आ गया। जब बोतल में था तो बोतल का आकार था, जब गिलास में हुआ तो गिलास का आकार लिया, घड़े में जाएगा तो घड़े का आकार होगा, सुराही में जाएगा सुराही का आकार होगा। तो राजनीति भी ऐसी है कि किन को सौंप रहे हैं, जिन किन हाथों में जा रहे हैं। राजनीति राम के हाथों की भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची युक्ति बनी। इस नहर का भी किसी किया, ये बड़ी भूमि हम कृष्ण का जानते हैं। रावण के हाथ पहुंची शक्ति बनी। मैं राजनीति नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन एक व्यवस्था बता रहा हूँ कि राजनीति कैसे कैसे कलेवर बदलती है, किन हाथों पर पहुँचती कैसी बनती है। राम के हाथों भक्ति, कृष्ण के हाथों युक्ति, रावण के हाथों शक्ति, इंदिरा जी के हाथ पहुँची आसक्ति बनी। कोर्ट ने उनके चुनाव को अघोषित, अवैध घोषित कर दिया, लेकिन इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में। आसक्ति थी युक्ति सत्ता की, आसक्ति बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसों के हाथ पहुँच गए तो विरक्ति बनती है। मुलायम सिंह जैसे उनके हाथ पहुँचती है तो समाज के लिए विपत्ति बनती है। मायावती के हाथ पहुँचती है तो संपत्ति बनती है उनके लिए। और जब मेरे नेता योगी और मोदी के हाथ पहुँचती है तो राष्ट्रभक्ति बनती है, राजनीति जय। समाज सेवा की अभिव्यक्ति बनती है, राजनीति जय। इसलिए और ये सब शिक्षा मैंने यहीं से ग्रहण की है। आप लोग देश के भविष्य के संवारने वाले लोग हैं, वतन बनाने वाले लोग हैं। और जो छात्र भी बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बनने की मात्र नौकरी मत होइए आप, नौकरी देने वाले बनिए। उसके लिए हिम्मत थोड़ी जुटानी पड़ेगी। और ऐसी बात नहीं है हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, उनका ऊपर वाला हो सकता है। तो शिक्षा अब नए रूप में आनी चाहिए। यह कहना है गलत इतिहास अपने को दोहराता है, पूरी मेरी जोश जवानी एक बार मौका है। लेकिन जब मैं प्रसादों के दूसरे जमाने की दोबारा वापस आ गई, शायद वो झुटला था। ये मेरा अपनी गुजरा है, हर हजार किएगा गले की बैठने में उसका आ जाएगा। छात्र राजनीति की संभव होता ऐतिहासिक वाले है, जिसका छात्र होने का मुझे गर्व है। गंगाधर शास्त्री जी की धरोहर, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को बनाया और ऐसे ऐसे लोग दिए इस देश को, जिनका स्मरण न जाने कब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किया जाता रहेगा। ऐसे ऐसे प्राचार्य दिए, डॉक्टर एमए विश्वविख्यात गणितज्ञ थे, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर सिन्हा, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर्स दिए हमें जिन्होंने पढ़ाया मैथमेटिक्स बीएससी में। एक से एक अपने फन के माहिर थे। और जिसमें कड़क हुआ करते थे, हम क्लास से बंक मार जाते थे। तब नहीं मालूम था कि कभी हम मुख्यमंत्री बन के भी आऊंगा। तब ये लगता था कि बस यहां से निकल जाए, किसी तरह से पास हो गए और अपना टीम नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे।
लेकिन राजनीति का भी कीड़ा यहीं से पड़ा। मुझे जब गुजरा था यहाँ पर तो जी सी शर्मा जी याद आ रहे थे, मैथमेटिक्स हमको पढ़ाते थे, विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, जैसा कि अभी संचालक का महोदय ने बताया कि आपको मैं छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद के माध्यम से की, काफ़ी संघर्ष किया छात्रों के लिए। विद्यार्थी परिषद ने मुझे नगर मंत्री बनाया गया, आगरा के अखबारों में छोटा सा फोटो भी छपा। जब दूसरे दिन मैं आया तो यहाँ पर